मैंने खुद एक अभी खुतबा सुना है, लिटरली मेरे सामने वीडियो आई, ये क्या बातें करते हो जहाद की, हक की और ये वो, तुम्हें पता नहीं आर्मी पकड़ ली। थोड़े दिन में कोई उठता है खिलाफत, एक दिन कोई साहब आ गए कि ये खिलाफत की बात आप क्यों नहीं करते। मैंने कहा मसलन बात करने से होगा क्या? उन्होंने कहा हम खिलाफत कायम करेंगे। मैंने कहा कैसे कायम करेंगे आप खिलाफत? तहरीक चलाएंगे। मैंने कहा तहरीक जब आप चलाओगे ना, अभी तो आप थोड़े से हो, जब 8-10 आदमी हो जाएंगे एजेंसी वाले उठा के ले जाएंगे। इत्तकुल्लाह का मतलब बताएं, आपका नाम क्या है? सना। सना, सना इत्तकुल्लाह का मतलब क्या समझ आया आपको? तकवा का मतलब क्या है? गॉड फियरिंग कॉन्शियसनेस। क्या मतलब क्या? अल्लाह डराता है हमें, यही बताया जाता है ना, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। सोचें जरा, उल्टी की तस्वीर किसके ऊपर? कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर। इत्तकुल्लाह कोर है हमारा, सेंट्रल कोर है इस्लाम का। तकवा इज द सेंटर ऑफ इस्लाम। यस, यू नो दैट राइट? तकवा का मतलब ही नहीं पता। मैंने खुद एक सेशन किया अभी, जिसमें एक आंटी ने खड़े होकर मुझसे पूछा, बेटा आप ये क्यों, मौलवी साहब क्यों कहते हैं अल्लाह से डर, अल्लाह को डराने के लिए हमें डरा रहा है इधर। उस आंटी ने कहा अल्लाह को डरावनी हस्ती है, हम डरें क्यों, प्यार क्यों ना करें, डरे क्यों नहीं, डरें क्यों, प्यार क्यों ना करें, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया गया, तो जाहिर फिर ऐसे ही होगा। तो मैंने फिर वो जो उनसे कहा वो मैं आपसे भी कहता हूँ, आपके सवाल का जवाब भी यही है कि अगर आप अल्लाह से नहीं डर रहे ना, या डर का मतलब क्या है, तो मैं उसके लिए डर का मतलब समझा रहा हूँ कि अगर आप अल्लाह से नहीं डर रहे तो आप किसी एक ऐसे अंकल से, किसी खानदान से, किसी एक कल्चर से, किसी एक आर्मी से, किसी से एक गवर्नमेंट से, किसी एक बंदे से डर रहे, और अल्लाह कह रहा है ये वाला डर मेरे से रख, जितना तो डरता है किसी से। मैंने खुद एक अभी खुतबा सुना है, लिटरली मेरे सामने वीडियो आई, क्या ये क्या बातें करते हो जहाद की, हक की और ये वो, तुम्हें पता नहीं आर्मी पकड़ ली। सोचें तो सही,